हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम एकता। आज मैं जिस प्रोडक्ट का रिव्यू करने वाली हूँ उस प्रोडक्ट को ना आप लोग जानते ही होंगे, और नहीं जानते हो तो आप सही जगह पे आए हो। चारकोल मास्क क्रीम की आज बात होने वाली है। इसका डिटेल में आज मैं रिव्यू प्लस डेमो भी दिखाऊंगी आपको। चलिए स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, और उसके बगल में छोटी सी बेल बटन होगी उसको भी हिट कर देना, ताकि मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको टाइम से मिल जाएं। और अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक दे देना इस वीडियो को, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं आप। विदाउट एनी फर्दर ड्यू, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम इसकी पैकेजिंग की बात कर लेते हैं। तो पैकेजिंग में ये इस तरीके से आता है। इसकी आउटर पैकेजिंग ब्लैक एंड वाइट कलर की है, और आप देख सकते हैं इसकी क्वांटिटी कितनी ज़्यादा है। बट गाइज, इसके प्राइस के बारे में बात करूँ तो इसका प्राइस इतना वेरी करता है कि आप ऑनलाइन देखोगे तो कुछ और प्राइस बताएगा, और आप ऑफलाइन कहीं देखोगे किसी भी स्टोर पे तो कुछ और बताएगा। और गाइज, मैं तो ना इस प्रोडक्ट को लेने में इतना ठगी हूँ। मैंने नायका से ख़रीदा था, उस टाइम पे मुझे ना इतना ज़्यादा पता नहीं था इसके बारे में, और इसका जो प्राइस था इन लोगों ने 450 रुपीज़ डाल रखा है, और मुझे डिस्काउंट पे मिला 293 रुपीज़ का। बट मैं आपको एक और बात बताती हूँ कि ये एक्चुअल में 150 रुपीज़ का है। मैंने ना 150 रुपये और फालतू दे दिए। तो मैं तो आपको यही बोलूँगी कि अगर आपको ये ख़रीदना है तो फिर ऑफलाइन ही ख़रीदिए, ऑनलाइन तो आपको घाटा हो जाएगा पक्का। और फिर भी अगर आपके आसपास स्टोर्स पर नहीं है, तो मैंने अमेज़ॉन पर इसके प्राइस चेक किए हैं, वो नायका से काफ़ी बेटर हैं। तो मैं उसका लिंक दे दूंगी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप ज़रूर चेक कर लेना। चलिए मैं इसकी क्वांटिटी बता देती हूँ। इसकी क्वांटिटी है 130 ग्राम, और जो कि काफ़ी अच्छी क्वांटिटी ये प्रोवाइड करा रहे हैं। इसकी जो इनर पैकेजिंग है वो काफ़ी सिमिलर है आउटर पैकेजिंग की तरह। ये ट्यूब में आता है जैसे कि आप देख सकते हैं, और काफ़ी सिक्योर लिड के साथ आता है, तो कोई भी लीकेज वगैरह का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। दैट्स वाई इट इज़ ए ट्रैवल फ्रेंडली प्रोडक्ट। और जो इस पे डिटेल्स लिखी हुई हैं वही आउटर पैकेजिंग पे भी आपको मिलेंगी। मोस्ट ऑफ द डिटेल्स आर रिटन इन चाइनीज़ लैंग्वेज, तो मैं ज़्यादा कुछ समझ नहीं पाई एक्सेप्ट दैट कि इट इज़ अ बैम्बू चारकोल वाइटनिंग एंटी ब्लैकहेड मास्क क्रीम। और एक्चुअली में ये एक पील ऑफ मास्क है जिसको हमें अपने फेस पे लगाना है, तो ये सारी जो इम्प्योरिटीज़ हैं और डर्ट है, और साथ में आपके ब्लैकहेड्स भी रिमूव करता है, और साथ में आपके फेस को थोड़ा ब्राइटन अप भी करता है। तो चलिए, यहाँ पे मैंने अपना फेस वॉश कर लिया है, और अब मैं इसको अपने फेस पे अप्लाई करके दिखाऊंगी आपको। तो बेसिकली आपको इस क्रीम को अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर लेना है। अवॉइड आईज़ एंड माउथ एरिया प्लीज़, एंड उसके बाद आपको 20-30 मिनट्स के लिए वेट करना है, जब तक कि पील ऑफ मास्क आपका ड्राई नहीं हो जाता। और यू कैन यूज़ ब्रश और योर फिंगर्स ईदर, बट मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे अपने फिंगर्स, क्योंकि मुझे इसके साथ बहुत ही इजी लगता है। आप देख सकते हैं कि इसका जो टेक्सचर है काफ़ी थिक है, थिक ब्लैक इन कलर, पेस्ट लाइक, जैसा कि पेस्ट होता है ना वैसा ही इसका टेक्सचर है। मेन इंग्रेडिएंट इज़ द बैम्बू चारकोल विच deeply penetrates into your skin and breaks down all the toxic deposits and the dirt from your skin. और जो कि चारकोल है वो क्या करता है, आपकी डीप क्लींस करता है स्किन को, और जो भी सारा डर्ट होता है स्किन को उसको निकालता है। और स्पेशली इट इज़ मेड फॉर ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स, तो ये आपके जो भी ब्लैक हेड्स होते हैं और वाइट हेड्स होते हैं उनको भी रिमूव करता है। आई हैव यूज्ड दिस एट लीस्ट 5 times, एंड आई कैन से दैट हाउ अमेजिंग दिस प्रोडक्ट इज़। दिस चारकोल पील ऑफ मास्क रिमूव 30% ऑफ माई ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स इन जस्ट फर्स्ट यूज़। हाँ, सिर्फ फर्स्ट यूज़ में इसने इतना इफेक्ट दिखाया मेरे फेस पे, तो मैं तो इसकी फ़ैन हो गई हूँ। आई हैव मैनी ब्लैक हेड्स ऑन माई नोज़, दैट्स वाई आई बॉट दिस मास्क क्रीम। मैंने सोचा कि मैं ये खरीदूँगी, ले लूँगी, तो देखते हैं कि ये कैसा वर्क करता है।
I use this charcoal mask cream twice in a week and this works really well for my face. सीरियसली बिल्कुल भी सेंसिटिव नहीं है मेरी स्किन पे तो, और मेरी स्किन टाइप जो है वो कॉम्बिनेशन है. आई अप्लाई दिस ऑल ओवर माई फेस बट मेनली आई फोकस ऑन माई नोज बिकॉज ऑफ माई ब्लैक हेड्स. आई एम नॉट सेइंग दैट इट टुक आउट ऑल ऑफ माई ब्लैक हेड्स बट इट डिड रिमूव माई मोस्ट ऑफ ब्लैक हेड्स और आई कैन सी दैम ऑन द मास्क आफ्टर पीलिंग ऑफ द मास्क एंड द सेटिस्फैक्शन जो मिलती है ना वो बहुत ही अमेजिंग होती है. I don't know but I can see my face instantly glowing after using this. Many people say that it really hurts while peeling off this mask. बहुत painful रहता है but I don't think so. If you apply it evenly on your face and in right manner तो ये क्यों हट करेगा आपको. मुझे तो ये बिल्कुल भी हट नहीं करता. मैं तो 10 बार लगा चुकी हूँ इसे और हर टाइम थोड़ा सा आपको लगेगा जहाँ पे आपके थोड़े से फेशियल हेयर होते हैं बिकॉज इट ऑल्सो टेक्स आउट फेशियल हेयर विच इज़ वंडरफुल एंड लीव्स स्किन वेरी सॉफ्ट एंड ब्राइट. सीरियसली गाइज बिल्कुल भी हट नहीं करता आपको और मैं अभी आपको पूरा प्रोसेस दिखाऊंगी निकाल के. 20 मिनट हो चुके हैं और ये पूरा ही ड्राई हो चुका है आप देख सकते हैं. तो आपको क्या करना है, आपको नीचे से ऊपर के मोशन में आपको केयरफुली एजेस से होते हुए इस पील ऑफ करना है इसको. और जिस तरीके से मैं कर रही हूँ, स्किन सूटेबिलिटी की बात करें तो इट इज़ सूटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप्स स्पेशली फॉर एक्ने प्रोन एंड ऑयली स्किन. बट अगर आप सेंसिटिव स्किन है आपकी तो प्लीज़ डू द पैच टेस्ट फर्स्ट बिफोर यूजिंग दिस मास्क. एंड गाइज मेरी तो छोड़ो आप, इवन माई ब्रदर ऑल्सो यूज दिस ऑन हिज फेस बिकॉज ही हैज़ एक्ने प्रोन स्किन एंड फॉर एक्ने प्रोन स्किन दिस वर्क्स लाइक मैजिक बिकॉज इट रिमूव्स ऑल द एक्सेस ऑयल एंड द डर्ट फ्रॉम द फेस. और आप देख सकते हैं कि मैंने अपनी हेयर लाइन पूरी तरीके से छोड़ी हुई है, वो कि इसीलिए क्योंकि फिर पील ऑफ करने में बहुत ही परेशानी होगी आपको अगर आप यहाँ पे लगा लेते हैं, क्योंकि ये आपकी स्किन को डीप क्लींस करता है तो जो आपके पोर्स होते हैं ना उनको भी अच्छी तरीके से क्लीन कर देता है ये. और आप देख सकते हैं कि ये एक बार में ही सारा मास्क आ गया है. जो भी रेसिड्यू जो बचा हुआ है ना मेरे फेस पे वो थोड़ा सा गीला रह गया होगा इसीलिए बचा हुआ है. तो मैं अपना पूरा फेस वॉश कर लेती हूँ ऐसे ही पानी से, उसके बाद मैं आपको मिलती हूँ. यू नो गाइस यू कैन सी द ब्लैक हेड्स ऑन दैट मास्क जो कि मैंने पील ऑफ किया है. वो मेरा फ़ोन का कैमरा इतना अच्छा नहीं है वरना मैं आपको ज़रूर दिखाती वो ब्लैक हेड्स ना. अगर आप निकालोगे जब भी मास्क आपको मास्क पे दिखेंगे एक्चुअल में. सो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा फेस कितना ग्लो कर रहा है, इंस्टेंटली ग्लो अप कर देता है ये फेस को क्योंकि ये सारी इम्प्योरिटीज़ निकाल देता है फेस से, पूरा तुरंत काम होता है इसका तो इसीलिए. और आप इसको एक बार या दो बार यूज़ कीजिए वीक में तो आपकी स्किन के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा. ट्रस्ट मी ये मेरी स्किन पे तो बहुत ही मस्त वाला काम करता है और मुझे इसे यूज़ करना बहुत ही पसंद है. बस आपको इसके बाद अपने फेस पे टोनर अप्लाई करना है क्योंकि वो पोर्स आपके श्रिंप कर देगा और उसके बाद में मॉइस्चराइज़र यूज़ कर लेना है, देन यू गुड टू गो. सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो. उम्मीद है आपको मेरा ये रिव्यू पसंद आया होगा और आपके लिए हेल्पफुल भी रहा होगा. इफ़ यू हैव प्रॉब्लम्स विद ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स लाइक मी यू शुड ट्राई दिस एटलीस्ट वंस. और अगर आपने यूज़ किया है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपके रिव्यूज़ सुन के इसके बारे में. तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही मिलूँगी. और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना. बाय.